नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। रोहतास जिला के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन के पास स्टेशन रोड से एक लवारिस शव बरामद किया गया है। साथ ही एक लवारिस अटैची भी मिली है। पुलिस ने लवारिस अटैची को जब्त कर लिया है एवं शव के पहचान की कोशिश कर रही है। बताया जाता है कि कल रात से ही डेहरी के स्टेशन रोड में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में सड़क के किनारे एक शव भी बरामद किया गया जिससे सनसनी फैल गई है। डेहरी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बॉडी पड़ा हुआ है, रात वहाँ पर थरथरा रहा था, रात में फिर उसके बाद कौन आदमी यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर सुआ हुआ था वो, फिर उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता। फिर सुबह में दम तोड़ दिया, रात में खाना वाना खिलाया इनको सब। कब इसकी मौत हुई? आज सुबह में हुई है। पुलिस आई थी? पुलिस ही नहीं बता सकते, पुलिस अभी सुबह आउटडोर कर रही थी। पुलिस थक हुआ था, फिर देख रहे हैं अभी सब अटैची उटैची आए, फिर यहाँ पर बोले रात तब यहाँ पर आया। अटैची भी मिला है? अटैची में पता नहीं क्या है, उसमें पता नहीं है, सब वहाँ पर खोलेंगे तभी पता चलेगा। क्या नाम हो तुम्हारा? रोहित। बताइएगा है लवारिस अटैची मिला हुआ आप लोग को? खाना पे गया है। खाना पे गया है, कुछ पता चला उसमें क्या है? एक ऐसी समाज के लिए मिसाल बन रही है खबर, और ये आपको जानना जरूरी भी है, क्योंकि जहां एक और बेटा पैदा होने पर लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, आज एक अलग घटना घटी। घटना में रोहतास जिला के तिलौथू में एक परिवार में जुड़वा बेटी के जन्म के बाद परिवार में काफी जश्न मनाई जा रही है। तिलौथू के संतोष एवं हेमलता को शादी के 18 साल बाद जुड़वा बेटी हुई तो लोग फूले नहीं समाए और सभी ने खुशियों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जश्न मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। शादी के 18 साल के बाद हमारे घर ये बच्चियों का आगमन होना था, हमने मैं तो अपने खुशी फूले समा नहीं रहा था, और उस खुशी को जब मैं अपने रिश्तेदारों से शेयर किया, अपने परिवार वालों से शेयर किया, तो सारे लोग खुशी में जश्न उसी दिन से मनाने लगे और इन दोनों परियों के आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही 16 जून 2018 को जो ईद का दिन हुआ, वो हमारे लिए ईदी साबित हुई और बहुत हम खुशी हुए जिन इन दोनों बच्चियों का चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में जन्म हुआ, और इसकी खुशी सभी अपने मित्र साथियों को और परिवार वालों को दिए, सभी संबंधियों को दिए, उसे सभी लोग बहुत काफ़ी प्रसन्न हुए। और मैं अब इन बच्चियों का आज 21 तारीख को ये अन्नप्राशन का ये मौका मिला है हमें, और जिसकी खुशी में हम सभी परिवार और रिश्तेदार सभी लोग अपने मित्र साथियों के साथ, पूरे जिले जवार के मित्र साथियों के साथ, अपने पत्रकार बंधुओं के साथ, अपने जितने भी मित्र साथी हैं सभी लोगों के साथ इस खुशी को मना रहे हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि इस खुशी में हमारे सभी भागीदार बनिए, और इस खुशी में हम लोग माता जागरण करा रहे हैं, जो बाहर के कलाकारों को बुला करके सारी